हेलो ऑल आर्ट लवर्स हैंडीक्राफ्ट, मैं आपको आज बता रहा हूँ तंजौर पेंटिंग के बारे में, किस तरीके से तंजौर पेंटिंग को बनाया जाता है। हमने एक प्लाई बोर्ड लेना होता है, इस तरीके से हमने इसके ऊपर हम कपड़ा लगा सकते हैं क्लॉथ फेविकॉल के साथ, और फिर हमने इसके ऊपर कोटिंग देनी होती है 7-8 बार। कोटिंग देने के बाद हमने सैंड पेपर से इसको घिसना होता है, इसको ट्रेस कर लिया इस डिज़ाइन को, बनी ठनी डिज़ाइन बोलते हैं इसको तंजौर पेंटिंग में। बाद में हमने इसको येलो कार्बन से हमने इसको ट्रेस किया है, येलो कार्बन ही यूज़ कीजिए, ब्लू कार्बन से ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस तरीके से येलो कार्बन होगा, इससे आपने इसको पूरा ट्रेस करना है। ट्रेसिंग के बाद आपने इसको पेन से या फिर पेंसिल से इसको हमने एक प्रॉपर ड्राइंग को निकाल लिया है। ड्राइंग को निकालने के बाद इस तरीके का सैंड पेपर आपने यूज़ करना है, 320 नंबर 220 नंबर चलेगा, ब्लैक होना चाहिए, वाटर प्रूफ। रेगमार करने के बाद आपका जब ये पूरा ट्रेसिंग हो जाएगा, उसके बाद हमने स्टोनों को लेना है। स्टोन की अलग अलग साइज़ की वैरायटी होती है, आपको जो साइज़ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। फेविकॉल लेंगे हम थोड़ा सा इस तरीके से, और हमने लकड़ की मदद से हम इसको स्टोन को उठा सकते हैं। हमने थोड़ा सा ही गैप देना है क्योंकि हमारी मिट्टी भरनी है, ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप हम देंगे। इस तरीके से हमने स्टोन को लगाना है, पूरा राउंड स्टोन लग गए हमारे। स्टोन लगाने के बाद हमने इसको फिल करना है मगिंग मटेरियल। मगिंग मटेरियल के लिए हम लोग लेंगे एक छोटी कटोरी ले लेंगे, चम्मच ले लेंगे और पाउडर ले लेंगे। हमने जिंक पाउडर और फ्रेंच पाउडर दोनों को मिक्स कर लिया चौक मिट्टी के साथ थोड़ा सा। दोनों को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डाल लेना है अरेबिक गोंद। पहले हम लेंगे पाउडर 3-4 स्पून ले लेंगे अभी हम, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, ज़्यादा मटेरियल मत बनाइए क्योंकि ये वन डे में ही आपने ख़त्म करना होता है, अगले दिन नया मटेरियल आप बना सकते हैं। ये मैंने अरेबिक गोंद ले लिया है, इस फिश फॉर्म में आपको ये ड्राई फॉर्म में मिलता है मार्केट में, अरेबिक खाने वाला गोंद बोला जाता है इसको। इसको आप पानी में रखेंगे, नेक्स्ट डे ये आपका किचन में तैयार हो जाता है। इसको आप चाय की छन्नी में छान के यूज़ कर सकते हैं, इसका डस्ट सारा निकल जाएगा छन्नी में छानने में। ये इस तरीके से शहद फॉर्म में हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गोंद लेके हम इसको मिलाएंगे, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा। अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी दाने ना रह जाएं। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें थोड़े से हमारे को दाने दिख रहे हैं अभी, जब तक वो दाने आ रहे हैं हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारा इस लिक्विड फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से, अब हमने इसको इतना ये पतला रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे नहीं तो ये आपस में टच होने का डर रहता है। अब हमने कोन शीट लेनी है, कोई भी नॉर्मल शीट ले सकते हैं आप, प्लास्टिक की जो आपका गिफ्ट रैपिंग या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल सकती है, शॉप में ही मिल जाएगी आपको ये शीट। इस शीट को हमने कोन लेना है, छोटा सा कोन बनाना है हमने। इस तरीके से हमने सेलो टेप लगा देनी है एक साइड। टेप को हम मुँह तक नहीं लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, कोन के मुँह को ख़राब नहीं करेंगे टेप से, इस तरीके से। और एक टेप हम ऊपर लगा देंगे ताकि हमारा ये कोन कहीं से, हमारा मटेरियल तैयार है, अब हम इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको भी हम बंद कर देंगे यहाँ से टेप लगा के, ताकि हमारा ऊपर से मटेरियल ख़राब ना हो। अच्छी तरह इसको कस लेंगे हम लोग। ये हमारा तंजौर का पहले जो कच्चा काम होता है, उसके बाद हमने इस पर गोल्ड फाइल लगानी होती है ओरिजिनल 24 कैरेट वाली। इस तरीके से थोड़ा सा कटिंग करेंगे। हमने जो स्टोनों को लगाया था उनको हमने आराम से फिलिंग करना है इस तरीके से। जितना भी एरिया खाली है उसको हम लोग कोन की मदद से फिल कर देंगे। कोशिश करेंगे हमारे स्टोन ज़्यादा गंदे ना हो, ताकि हमें बाद में सफाई करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और स्टोन को कम भरेंगे मिट्टी, ज़्यादा ऊपर तक मिट्टी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हमें साफ़ करने हैं और स्टोन उठे रहने चाहिए। ये जो मगिंग मटेरियल है सूखने के बाद ड्राई होता है जब थोड़ा बैठता है, तो इसलिए हम इसको इतना ही भरेंगे। जितना भी हमारा बारीक बारीक डिज़ाइन है इसको भी हम लोग ऐसे ही फील कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। टच नहीं होना है, जैसी टच हो आप उसको हटा सकते हैं। हमारी जो लाइन है वो दिखनी चाहिए, और हमारा जो मगिंग मटेरियल का काम है वो बिल्कुल फिनिशिंग में आना चाहिए, तभी आपकी तंजौर पेंटिंग में ग्रेस आता है और सुंदर लगती है। आपस में टच नहीं होने देंगे, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे हम, थोड़ी दूरी बना के रखेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से तंजौर पेंटिंग के अंदर मगिंग मेट का काम किया जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा
ये तो मैंने बताया आपको कैसे आपने भरना है, पूरा जो आपका पूरा फिलिंग हो जाएगा इसके बाद आपने इसके ऊपर कोनिंग करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोनिंग कैसे करनी है। कोनिंग करने के लिए मैं आपको दूसरा बोर्ड देख के दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा था बनी था नहीं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लक्ष्मी जी। इस तरीके से हमारा पूरा काम हो गया। अब मैंने जो हमारा पाउडर हमने जो बनाया था पेस्ट, इसी के अंदर हम लोग थोड़ा पाउडर और डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक रखेंगे। ज़्यादा थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा गोंद यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थिक रखना है कोनिंग का मटेरियल, जो हम ऊपर से कोनिंग, मैंने भी बताया आपको पहले फिलिंग करने का, फिलिंग के बाद कोनिंग का काम करना है हमने। तो कोनिंग के काम के लिए हम लोग थोड़ा सा पाउडर डाल के इसको, उसी को पतले वाले को मैंने थोड़ा थिक कर लिया है। इसको लेने के बाद हम लोग फिर एक और कोन बनाएंगे। पहले हमने बनाया था लिक्विड थोड़ा फॉर्म में, अब हम थोड़ा थिक फॉर्म में ले रहे हैं। दूसरा कोन हम ट्राई करेंगे कोनिंग के लिए। ये थिक है तो हमने इसको कोन में भर लिया, ये देखिए इस तरीके से। अभी हमने कोनिंग करके दिखानी है, तो कोनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको काट के कोनिंग का पार्ट भरेंगे। अब सब जगह पे कोनिंग का काम है तो बड़ी बड़ी कोनिंग कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे से स्टोन साफ कर लिए हैं, पहले स्टोनों को मैंने पानी से साफ किया हल्का हल्का, और फिर मैंने इसको कोनिंग वर्क करना शुरू किया है। आस पास लाइन वर्क होता है इसमें, ऐसे करके स्टोन के ऊपर कोन वर्क ना करें नहीं तो फिर गोल्ड कटिंग में दिक्कत आएगी। इस तरीके से हमने कोनिंग वर्क करना है, स्टोन के सब जगह पे कोनिंग वर्क होता है, कोई भी जगह को हम छोड़ नहीं सकते हैं, पूरा कोनिंग वर्क कर लें। इधर भी कई कई डिजाइन ऐसे हैं जहाँ पर आप कोनिंग वर्क कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमारा साड़ी का डिजाइन है तो हम यहाँ पर भी थोड़ा सा कोनिंग वर्क कर सकते हैं। कोई भी हल्का हल्का डिजाइन डाल दीजिए, इसके ऊपर भी डिजाइन डाल देंगे हम लोग। साड़ी का डिजाइन है तो थोड़ा सा डिजाइन लग के अच्छी लगेगी साड़ी। इस तरीके से हमने पूरा इसको भर दिया, देखिए इस तरीके से। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर हम लोग गोल्ड लगाएंगे। गोल्ड कैसे लगाएंगे, मैंने पूरी कोनिंग कर ली, इसके बाद हमारा जो मेन गोल्ड का काम है वो शुरू होगा। गोल्ड के लिए हम लोग गोल्ड शीट लेंगे, हम लोग ओरिजिनल गोल्ड फाइल, और यहाँ पे से इसको कटिंग करेंगे। गोल्ड को कटिंग करने के बाद हम इसको इस पर पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको दूसरे पीस के ऊपर गोल्ड कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी ड्राई हो रहा है वो, और ये मेरा रेडी पीस है। इस तरीके से मैंने गोल्ड को लगाना है। हमने पत्ते को रखना है यहाँ पर, शीट को रखेंगे हम लोग इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको नाप लिया, नापने के बाद हमने इसको कटिंग करना है। बहुत ही सुंदर आर्ट है ये, तंजौर पेंटिंग, साउथ चेन्नई का आर्ट है ये, और काफ़ी सालों से हमारे भारत का ये कल्चर में है, रहा है, ट्रेडिशनल आर्ट है। तो आप सब लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये छोटे छोटे पीसेस को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ये बाद में यूज़ होते हैं। इसको मैंने पत्ते को लेना है और हमें इसको ग्लू लगाएंगे ब्रश की मदद से। कोई भी राउंड या फ्लैट ब्रश लेके आपने जो ग्लू लेना है इस तरीके से। मैंने वही ग्लू ले लिया जिससे मैं पेस्ट अभी बनाया था, लिक्विड तंजौर का पेस्ट बनाया था, उसी से मैं इसको कर रहा हूँ। इसके ऊपर लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, प्रॉपर तरीके से सब जगह से लगा देंगे, अच्छे से देख लेंगे नापा ठीक है हमारा, कहीं से ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग पुश करेंगे इसकी मदद से, आपका स्पंज की मदद से पुश करेंगे ऐसे। अंगूठे की मदद से ही आपने पुश करना है, पूरा हाथ ना लगाएं और गोल्ड को ज़्यादा छुए नहीं तो गोल्ड डल हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हल्का हल्का मैं इसको निकालूंगा ताकि मैं अच्छे से पुश कर सकूँ। इस तरीके से कटिंग करने के बाद फिर दोबारा दबाएंगे, क्योंकि स्टोन नज़र आएंगे और हवा पास होगी इधर पे, तो स्टोन अच्छे से दिख पाएंगे आपको। गोल्ड का पार्ट कंप्लीट। इस तरीके से गोल्ड लगाया जाता है मगिंग करने के बाद। ये हमारा गोल्ड लग गया, कलरिंग के ऊपर जाना है, हमारा पूरा काम हो गया। इसके लिए हमारे को अभी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम लोग कटर की मदद लेंगे, कटर की मदद से इसको हम लोग कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी लेंगे हम लोग,
और जो हमने स्टोन के ऊपर गोल्ड चढ़ गया है उसको निकालेंगे। कटिंग कर लिया हमने और इसको हम निकालेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा वाटर लेंगे, इसके ऊपर हम ड्रॉप की तरह डालेंगे। सिर्फ स्टोन के ऊपर पानी आना चाहिए, आसपास कहीं नहीं जाएगा पानी, सिर्फ ड्रॉप के ऊपर डालिए। गोल्ड के ऊपर एक एक ड्रॉप डालते जाइए। हमने जितने भी स्टोन पे गोल्ड लगा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वाटर लगाएंगे। वाटर का ड्रॉप रखते 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 वो थोड़ा देर मुलायम हो जाएगा हमारा गोल्ड। अच्छा, जहाँ हमने पहले पानी लगाया था वहीं से शुरू करेंगे। इस तरीके से प्लकर की मदद से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको भी चाहो तो आप नहीं फेंक सकते हैं, इसको रख लीजिए। सूखने होने के बाद, ड्राई होने के बाद कहीं पर आप यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट मार्कर लेंगे हम लोग, ये वाला, और इसकी मदद से इसकी आउटलाइन डालेंगे आसपास की। जहाँ जहाँ हमने डिज़ाइन किया उसको हाईलाइट होता है, वो जहाँ जहाँ हमने डिज़ाइन डाला है उसको हाईलाइट करने के लिए। देखिए जैसे ये है, इस तरीके से हमने सारे डिज़ाइन को निकाल लेना है। जहाँ जहाँ हमने हमारा, जब इस तरीके से पूरा गोल्ड लग जाएगा, वाइट कलर के साथ मैं एक ब्रश ले लूँगा और इसको पानी के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा पतला कर लेंगे कलर को। थोड़ा सा ड्राई होगा जब तक हम लोग कुछ, और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ तंजौर पेंटिंग के बारे में, कलर के बारे में बताता हूँ। अभी ये थोड़ा सा ड्राई होता है जब तक मैं आपको दूसरी पेंटिंग में थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। चांद कुमार, तंजौर पेंटिंग आर्ट्स को लेके आपके शहर में, जगह जगह, पूरे भारत में, हम पूरे वर्ल्ड में इस आर्ट को लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे क्राफ्ट से, हैंडीक्राफ्ट, तंजौर पेंटिंग, 3D आर्ट एंड रिलीफ आर्ट। ये रिलीफ आर्ट हमारा काफ़ी न्यू आर्ट है। तंजौर पेंटिंग वेरी टिपिकल आर्ट, इसमें स्टोन, जर्कन्स एंड गोल्ड फाइल ओरिजिनल लगाया जाता है। आप लोग सीख सकते हैं ये आर्ट और ये आप ऑर्डर पे आप करवा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर देना तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पेंटिंग सीखनी है तो हैदराबाद में हमारा अभी वर्कशॉप चल रहा है, आप यहाँ पे भी आके इसको सीख सकते हैं। आप अलग अलग जगह पे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, सभी जगह हमारी वर्कशॉप रहती है। ये 15 डेज की वर्कशॉप होती है, इसके लिए आप कभी भी कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। और इस क्राफ्ट के अंदर छोटे पीस भी बना सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है आर्ट की। आप इसके अंदर कैरियर बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कार्ड बनता है इसका, जब जब आप इसको सीख लेते हैं, जिससे आपको सरकार की तरफ से बहुत बेनिफिट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय, आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट का, और इस आर्ट के अंदर आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। నమస్కారం, నా పేరు రమ. నేను ఇక్కడ ఈ తంజావూర్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవడానికని వచ్చాను. ఇది మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకు నేర్పించేది మిస్టర్ చాంద్ కుమార్. ఆయన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారన్నమాట. ఈ ఫీల్డ్లో ఆయన గత 22 సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, ఆయన చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడ నేర్పించడం కాబట్టి ఫేస్బుక్లో కూడా ఆయన్ని నేను చూసి ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుంటున్నాను అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక 15 రోజులు ఉంటారు ఆయన నేర్పించడానికి మనందరికీ. ఏ తంజావూరే కాకుండా రిలీఫ్ ఆర్ట్ అని, క్లే ఆర్ట్ అని చాలా ఉన్నాయి ఆయన నేర్పించేవి. స్పెషల్గా అయితే తంజావూరు నేర్చుకోవాలని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను వచ్చాను. తంజావూరులో ఏంటి స్పెషల్? ఇది మనకి యాక్చువల్గా చెన్నైలో చాలా ఫేమస్ ఆర్ట్. అలాంటిది ఆయన ఢిల్లీలో నేర్చుకొని మనకు వచ్చి ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. అండ్ దీనిలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీనిలో 24 క్యారెట్స్ ప్యూర్ గోల్డ్ ఫాయిల్ యూస్ చేస్తారు. సో మనం లేకపోయినా మనం చేసిన ఆర్ట్ లైఫ్ లాంగ్ అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఏళ్ల తరబడి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అన్నమాట. ఈ తంజావూరు ఆర్టే కాకుండా ఆయన క్లే వర్క్ కూడా నేర్పిస్తున్నారు. మూన్ క్లే అని చాలా ఫైన్ మార్బుల్ డస్ట్ తోటి చేసిన పౌడర్ తోటి అసలు చాలా అంటే లైక్ డీటెయిల్డ్గా నేర్పిస్తున్నారు. సో ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మటుకు తప్పకుండా రండి. దీన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్, ఇది చాలా డిమాండెడ్లో ఉంది, నేర్చుకోవడానికి కాస్ట్ అవుతుంది. అలాగే మనం దీన్ని అంటే లైక్ ఇట్స్ అ బిజినెస్ వైజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా చాలా అంటే లైక్ ఎక్కువగా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. మనం ప్రైస్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు దీనికి, బికాజ్ దానికి అంత అవుతుంది. మన శ్రమ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానిలో యూస్ చేసే మెటీరియల్ కూడా కాస్ట్లీ మెటీరియల్, అండ్ చాలా రోజులు చాలా ఏళ్ళు మన్నే ఆర్ట్ ఇది.
అండ్ ఒక ప్రౌడ్ ఆర్ట్. మిగతా మామూలుగా మనం స్కెచింగ్ అవన్నీ చేసేదానికన్నా ఇలాంటివి నేర్చుకుంటే మటుకు మనకు ఒక పేరు కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇది నేర్చుకోవడానికి ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ఏమీ లేదండి. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలాడు వారికి, ఇప్పుడు నేను నేర్చుకునే చోట ఒక 82 ఏళ్ళ ఆవిడ వస్తున్నారు, 60 ఏళ్ళ ఆవిడ కూడా వస్తున్నారు. వాళ్ళని నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కానీ ఆర్ట్ మీద మక్కువతో ఆ నేర్చుకోవాలనే ప్యాషన్తో వాళ్ళు వస్తున్నారు. అసలు ఎంత చక్కగా చేస్తున్నారో. అండ్ నాకు కూడా అంటే నేను వచ్చి ఏం నేర్చుకుంటాను అనుకున్నాను, కానీ ఈయన నేర్పించే పద్ధతి చాలా బాగుంది. ఒక బోర్డ్ చేసుకుంటే మటుకు మనం తర్వాత మిగతా అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనమే చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ బిజినెస్ కూడా. మనం బిజినెస్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నా కూడా దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇదొకటే కాకుండా ఇది కాస్ట్లీ అనుకుంటే మనకి రిలీఫ్ ఆర్ట్ అని నేర్పిస్తున్నారు, అది తక్కువ ఉంది. తర్వాత క్లే మౌల్డింగ్ అదొకటి ఉంది. తర్వాత మార్బుల్ పాట్స్ మీద గోల్డ్ ఫాయిల్తో వర్క్స్ నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళే మెటీరియల్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి. లేదు మనమే తెచ్చుకుంటామన్నా అలా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ ఇలా మనకి అన్ని రకాలుగా మనకు ఒక ఉపాధి ఏర్పరచుకోవడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది.